जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी को। एम पावर इंडिया का जो शेयर प्राइस है क्यों मतलब इसमें तेजी नहीं आ रही है, ज्यादा से देखेंगे तो स्टॉक आपको एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ दिख रहा है। उस रेंज बाउंड से बाहर कब निकलेगा और जो गिरावट एक एक दिनों में आपको देखने को मिल रही है 1% 1.5% गिरावट आके कब खत्म होगी, इसी चीज को इस वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक चीज की जानकारी दे दूं, आपको जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उसको तो पता ही होगा कि कंपनी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और आईटी सेक्टर में जब जब तेजी आएगी तो जाहिर सी बात है कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो सबके शेयर प्राइस में तेजी आएगी। आईटी सेक्टर देखेंगे तो खुद इन दिनों आपको एक रेंज अमाउंट में फंसा हुआ नजर आएगा। ओवरऑल हम आईटी सेक्टर्स की बात करें ना कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक, ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, उसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यदि उस सेक्टर का ग्रोथ रुका हुआ है तो आपको फिर इस स्टॉक में समय देना होगा, हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। वहीं पर जब आप बीएससी इंडिया का वेबसाइट ओपन करते हैं और वहां पर एम पावर इंडिया लिमिटेड को देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये स्टॉक अभी ईएसएम स्टेज वन में है। ईएसएम और जीएसएम की कैटेगरी थोड़ी खतरनाक होती है, हालांकि स्टेज वन में है तो उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है क्योंकि स्टेज वन में होने का मतलब है कि बहुत बड़ा इशू नहीं है और बहुत जल्द इस कैटेगरी से स्टॉक बाहर निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ईएसएम स्टेज में मान लीजिए है तो अब जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर लोअर सर्किट जरूर दिखेगा। फिक्स है कि ये ईएसएम में है तो लोअर सर्किट आपको दिखेगा ही दिखेगा, सब बीच बीच में अपर सर्किट लगेगा ये अलग बात है लेकिन लोअर सर्किट भी बीच बीच में आपको लगते हुए दिखते रहेगा और लोअर सर्किट ज्यादा आपको लगते हुए दिखेगा। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, लोअर सर्किट लगता है तो आपको पता है कि शेयर का जो प्राइस है मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो फिर जाकर यहीं पर ठहर जाता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा या हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ जाए, लेकिन ओवरऑल करके प्राइस को जाना ऊपर ही, लॉन्ग टर्म शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा, इसलिए आपको घबराना अभी इसमें नहीं है। एक साल के चार्ट पर जो आप देखते हैं स्टॉक का प्राइस, तो देखिए 2 रुपए से लेकर आपको 2.5 रुपए के बीच में फंसा हुआ दिखाई देगा। हालांकि बीच में एक बार आपको 2.5 रुपए से ऊपर निकला भी था लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, ऑपरेटर्स ने फिर इसको इसी रेंज में लाकर फंसा दिया और अभी मुझे लगता है कि इस पूरे मंथ तक, पूरे जून तक इस रेंज को ऐसे ही, इस शेयर प्राइस को ऐसे ही इस रेंज में भी घुमाएंगे और मंथ के लास्ट में जुलाई मंथ में जब एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन करके प्राइस को ऊपर निकालेंगे, क्योंकि रेंज से बाहर निकलने के लिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना जरूरी होता है और वो पैटर्न अभी इसमें बनते हुए नहीं दिख रहा है। जब तक कि पूर्ण रूप से पैटर्न बनेगा नहीं इस शेयर प्राइस इस रेंज से बाहर निकलेगा नहीं, और निकलेगा ऐसा नहीं कभी नहीं निकलेगा लेकिन आपको इसमें समय देना, और जब भी निकलेगा तो ये जो 3.5 रुपए का तकरीबन हाई लगा है इसके डबल आपको इस कंपनी का शेयर प्राइस जाते हुए दिखेगा, यानी कि तकरीबन 7 रुपए 8 रुपए तक प्राइस बहुत कम समय में आपको जाते हुए दिखेगा। अभी भी एक ओवरऑल व्यू ले तो इस स्टॉक में अभी भी आप देखेंगे कि अप ट्रेंड ही आपको बनते हुए नजर आएगा। तो जिस स्टॉक में अप ट्रेंड है, और बाकी आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर काफी कमाल का सेक्टर है, इसमें तो कभी भी मंदी जैसी बात नहीं रहती है, देर सवेर तेजी आती जरूर है, तो आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे, आपको इसमें घबराना नहीं है। अब आप यहाँ पे समझेंगे जो कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं यह भी काफी शानदार आ रहा है, जैसे मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है पावर का, यहाँ पे देखिए 87 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ है, 87 करोड़, पिछले कई क्वार्टर में आप देखेंगे तो कभी इतना ज्यादा कंपनी का सेल्स नहीं हुआ था, और सिर्फ सेल्स ही नहीं हुआ है बल्कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखे, हालांकि पिछले क्वार्टर थोड़ा कम है लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं तो उसके हिसाब से काफी बड़ा नंबर से अभी भी। तो ये अलग बात है कि कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कंपनी का जहाँ पे फंडामेंटल दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और जहाँ पे कंपनी जो काम करती है काम भी यदि बढ़िया है तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर उसमें है तो कुछ गलत बात नहीं है, आप बेशक थोड़ा समय दीजिए आपको मुनाफा होगा। बाकी इस कंपनी में आप देखेंगे तो प्रमोटर्स भी हैं, एफआईआई के भी हिस्सेदारी, चूंकि इस आईटी सेक्टर के स्टॉक तो जाहिर सी बात है इसमें विदेशी निवेशक तो रहेंगे ही, और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के इसमें प्रमोटर्स भी हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस इसमें थोड़ा समय देना है, समय देंगे तो आपको एम पावर इंडिया लिमिटेड लंबी अवधि में निराश नहीं करेगा। और इससे रिलेटेड मन में कुछ ऐसा सवाल है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में सबकी कमेंट का रिप्लाई देता हूं। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।